और इस बीच बड़ी खबर, ऋषिकेश एम्स को मिलेगी देश की पहली हेली एम्बुलेंस। तो पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे हेली एम्बुलेंस का शुभारंभ। सुबह 11 बजे होगा हेली एम्बुलेंस उद्घाटन का कार्यक्रम। सीएम धामी समेत कई मंत्री सांसद मौजूद रहेंगे। हेली एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला संस्थान बनेगा ऋषिकेश एम्स। तो एम्बुलेंस सेवा को संजीवनी का नाम जो है वो यहां पर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हेली एम्बुलेंस जो है वो कई मायनों में काफी खास है। एयर एम्बुलेंस से सेवा की शुरुआत होने के बाद गंभीर स्थितियों में मरीजों को तुरंत मदद मिल सकेगी। एयर एम्बुलेंस में चिकित्सा उपकरण और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी होते हैं, जिससे यात्रा के दौरान भी मरीजों को जरूरी देखभाल मिलती है। तो ये सेवा दुर्घटनाओं, हार्ट अटैक या अन्य गंभीर बीमारी की स्थितियों में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यही वजह है कि इस एम्बुलेंस सेवा को संजीवनी का नाम दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जा, ऋषिकेश एम्स को बड़ी देश की पहली हेली एम्बुलेंस मिलेगी। तो पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे। एम्बुलेंस का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। सुबह 11 बजे हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम। संवाददाता अमित कंडियाल हमारे साथ ऋषिकेश से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे, एक बड़ी सौगात भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को, ऋषिकेश एम्स की एक बड़ी उपलब्धि भी हेली एम्बुलेंस के जरिए। जिस तरीके से हेलो एम्बुलेंस के जो प्रयास चल रहा था लगातार, जो भारत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है लगातार इसमें प्रयास में जुटा था। किसी तरीके से जो ऋषिकेश एक बहुत बड़ा, ऋषिकेश में जो एम्स है बहुत बड़ा संस्थान है, जो कि उत्तराखंड ही नहीं उत्तराखंड के आसपास के जो राज्य है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य है, वहाँ के जो मरीजों को भी लाभ देता है। देश का बहुत बड़ा संस्थान है, इसमें लगातार हेली एम्बुलेंस स्थापित किए जाने की लगातार प्रयास चल रहा था, जो प्रयास आज सफल हुआ है। जिस हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे, और यहाँ पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य कई कैबिनेट मंत्री इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 11 बजे का समय रखा गया है और पुलिस की भारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर पुलिस की ब्रीफिंग देखी जा रही है, जो अधिकारी उनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं कि जिस तरह उद्घाटन हो, उद्घाटन के समय में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नजर आनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर उद्घाटन जो ये हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी सौगात है उत्तराखंड के लिए। और देखिए, बड़ी सौगात इसलिए क्योंकि एक लंबा इंतजार, और उस लंबे इंतजार के बाद अब वो कहीं ना कहीं घड़ी आ गई है, जिसका सभी को यहाँ पर निगाहें थी। और सबसे खास बात इस हेली एम्बुलेंस की रहेगी कि जो बड़ी दुर्घटनाएं हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसमें मदद मिल सकेगी, उसमें एक अहम भूमिका निभाती नजर आएगी। जी, उत्तराखंड में जैसा कि देखा जाता है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि काफी दुर्गम इलाके होते हैं, और दुर्गम इलाकों में जो गाड़ियों का पहुंचना या अन्य किसी साधन का पहुंचना मुश्किल होता है और काफी देर होता है, तो उसमें तब तक मरीजों को इलाज ना मिलने के कारण कई बार जान भी चली जाती है। इसी के नजरिए से ये देखा गया है कि जो हेली एम्बुलेंस अपने आप में काफी बड़ा वरदान साबित होगा, जो उत्तराखंड के दुर्गम इलाके हैं। और चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में होती है, तो कई बार हादसे ऐसे हो जाते हैं पहाड़ों पर कि दुर्घटनाएं हो जाती है या स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके लिए जो हेली एम्बुलेंस है यहाँ से ऋषिकेश से यहाँ पर उड़ान भरेगी, और जो लावर्ती है, जो मरीज है, उसको वहां से पिकअप करके ऋषिकेश एम्स लाएगी, और यहाँ पर उसको समय पर उपचार मिलने के कारण कहीं ना कहीं कई जान बचेगी। और अच्छा प्रयास जो ये स्वास्थ्य विभाग के तौर पर किया गया है, इसकी लोग भी सराहना कर रहे हैं, और काफी जद्दोजहद के बाद, काफी प्रयास के बाद ये जो हेली एम्बुलेंस के जो ये है सफलता मिली है। ठीक है, कार्यक्रम को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।